सिंधी कॉलोनी में एकलव्य गौड़ और उसके साथियों द्वारा कांग्रेस नेता मनीष रिजवानी, भागचंद्र बालचंदानी, राजकुमार बालचंदानी और विलियम संधवानी के साथ बेवजह बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि एकलव्य और उसके साथियों ने पुलिस कर्मचारियों से लाठी छीनकर कांग्रेसियों के साथ मारपीट की। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि एकलव्य गौड़ और उसके साथी विलियम संधवाने के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं खातीवाला टैंक के सरस्वती शिशु मंदिर में भाजपा नेता महेश कुकरेजा और उसके साथियों ने कांग्रेस नेता कमल इसरानी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से कमल इसरानी को हाथ में गंभीर चोट लगी है। मामले की खबर लगते ही प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुजीत सिंह चड्डा और सैकड़ों कांग्रेस जन सिंधी कॉलोनी पहुंचे, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष मारपीट को लेकर नाराजगी दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अधिकारियों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को थाना जूनी इंदौर पहुंचकर FIR दर्ज करवाने के लिए कहा। इसके बाद सभी कांग्रेस जन थाना जूनी पहुंचे। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए पेप्टेक ग्रुप की पहल, वोटिंग डे पर डील करिए, अपना वोटिंग मार्क दिखाएं और पेप्टेक के JP सिनेमा में पहुंचकर फिल्म का आनंद उठाएं। 20, 21 और 22 नवंबर को JP सिनेमा में पाएं स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक एकदम फ्री। 100 रुपए की कीमत वाले इस स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक को आप मुफ्त पा सकते हैं सिर्फ अपना वोटिंग मार्क दिखाकर। तो JP सिनेमा में लीजिए टाइगर 3 का आनंद, लेकिन वोट डालना मत भूलिए।